और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जामताड़ा में एक ऐसा झरना है जहां ठंड के मौसम में गर्म पानी निकलता है जबकि गर्मी में शीतल जलधारा। लोगों का मानना है कि यहां नहाने और झरने का पानी पीने से पेट की समस्या और चर्म रोग से छुटकारा भी मिलता है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। जामताड़ा में चट्टान से पानी की ये धारा सालों से ऐसी ही बह रही है। जंगल और झाड़ियों के बीच स्थित इस झरने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि गर्मी में यहाँ का पानी शीतल और ठंड के मौसम में गर्म होता है। लोगों का मानना है कि इस झरने के पानी को पीने और इसमें नहाने से पेट और स्किन डिजीज से छुटकारा मिलता है। 100 साल 2 साल 3 साल पहले से ही यहाँ का माँ का कुदरती देन है। 12 मास 12 काल यहाँ से पानी निकल रहे हैं और आपका इस गांव में जैसे एकदम जैसे बीमारी जो भी मतलब ये पानी पीते हैं तो शरीर में मतलब अच्छा हो जाते हैं। फतेहपुर नूनबिल टोली स्थित इस झरने के पास माता नूनबिल की पूजा अर्चना की जाती है। हर साल मकर संक्रांति पर यहाँ मेला सा लगता है। ऐसे में लोगों ने ऐसे पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की मांग की है। हम झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री से मांग करते हैं कि इसका सौंदर्यीकरण किया जाए, जो इसमें विकास हो और अच्छा लगे। यहाँ के जनता का और क्षेत्रवासी का भी मांग है। और यहाँ पर घेरा होना चाहिए, सारी चीज़ यहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए, सीढ़ी होना चाहिए, यहाँ पर हद होना चाहिए। दूर दराज से लोग माता नूनबिल की पूजा अर्चना करने और झरने में नहाने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन सड़क और व्यवस्थाएं नहीं होने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इसके सौंदर्यीकरण से इलाके में विकास की नई रेखा खींची जा सकती है। जामताड़ा से न्यूजीलैंड भारत के लिए केसरीनाथ यादव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।